वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 6 का पार्ट 23 पढ़ेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP वाज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो एक मेगा प्रोजेक्ट था। मेगा प्रोजेक्ट मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट इफ वी सिंपली डिफाइन द एम ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलो। तो देखो, जब हमें इस प्रोजेक्ट का एम पता चलेगा तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट थी और इस प्रोजेक्ट का क्या मैग्नीट्यूड था। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो इमेजिन कैसे कर सकते हैं, जब हम इस प्रोजेक्ट के एम में जाएंगे। तो अब हम इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के एम को समझेंगे। ह्यूमन जीनोम इज सेट टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3×10^9 बेस पेयर्स। तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, जो ह्यूमन जीनोम होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली 3×10^9 बेस पेयर्स होते हैं, मतलब 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज $3 पर बेस पेयर, द एस्टिमेटेड कॉस्ट इन द बिगनिंग, द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन। तो देखो, यहां पे क्या बोला गया कि अगर हम एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग करते हैं, ठीक है, मतलब एक बेस पेयर का अगर हम सीक्वेंस पता करते हैं तो उसमें खर्चा आता है $3 का। और हमें कितने बेस पेयर की सीक्वेंसिंग पता करनी है, 3×10^9 बेस पेयर का। ठीक है, तो अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 3×10^9 बेस पेयर। ठीक है, ये टोटल बेस पेयर हो गए और ये एक बेस पेयर की सीक्वेंस को निकालने का खर्चा हो गया। तो टोटल खर्चा यहां पे कितना आएगा, $9 बिलियन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9×10^9। ठीक है, तो इतना खर्चा आएगा। तो देखो, इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट था काफी बड़ा था, इसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च हुआ, इसमें काफी ज्यादा टाइम लगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्दर, इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंसेस वर टू बी स्टोर्ड इन टाइप फॉर्म इन बुक्स एंड इफ ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन्ड 1000 लेटर्स एंड ईच बुक कंटेन्ड 1000 पेजेस, देन 3300 सच बुक्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस फ्रॉम ए सिंगल ह्यूमन सेल। तो देखो, यहाँ पे क्या बताया गया, हमने एक सिंगल ह्यूमन सेल लिया, उस ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जीनोम प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, इस जीनोम की सीक्वेंसेस को पता कर लिया। ठीक है, अब जो सीक्वेंसेस हमें मिली या जो हमें इंफॉर्मेशन मिली उसको हमें क्या करना है, टाइप करना है बुक में। ठीक, तो देखो यहां पे एक एग्जांपल दिया है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन है। चलो इसे समझते हैं। तो यहां पर बोला है, एक बुक है हमारे पास, उस बुक के अंदर 1000 पेजेस हैं। ठीक है, और ईच पेज में, मतलब हर एक पेज में हम 1000 लेटर्स को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इस इंफॉर्मेशन को बुक के अंदर टाइप करना है तो ऐसी ऐसी हमें कितनी बुक चाहिए होंगी, 3300 बुक्स चाहिए होंगी इस इंफॉर्मेशन को टाइप करने के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं ये जो इंफॉर्मेशन है जो हमें एक ह्यूमन सेल के जीनोम से मिली है वो कितनी ज्यादा बड़ी है। द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड ऑल्सो नेसेसिटेट्स द यूज ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस फॉर डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल एंड एनालिसिस। तो देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें एनॉर्मस अमाउंट में डाटा मिला। एनॉर्मस अमाउंट मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें डाटा मिला। अब इस डाटा को स्टोर करने के लिए, रिट्रीवल करने के लिए और एनालाइज करने के लिए किनका यूज किया गया, हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस का। ठीक है, तो देखो यहां पे डाटा स्टोरेज का तो मतलब आपको पता है, रिट्रीवल का मतलब होता है कि जो स्टोर डाटा होता है, जैसे हम कंप्यूटर में किसी डाटा को स्टोर कर देते हैं तो उस डाटा को अगर हम जब मर्जी तब यूज कर सकें तो उसको कहते हैं रिट्रीवल, और एनालाइज मतलब उसको हम समझ सकते हैं। तो देखो, इतना एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा है, ठीक है, तो इसको मैन्युअली तो हम समझ नहीं सकते, मैन्युअली समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए क्या किया गया, इस डाटा को हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस में स्टोर कर दिया गया।
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स. तो देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आने से क्या हुआ, बायोलॉजी में एक न्यू एरिया का डेवलपमेंट हुआ जिसे कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स. तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस की एक फील्ड है जिसमें बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, मैथ्स को कंबाइन किया जाता है. और क्यों कंबाइन किया जाता है, ताकि बायोलॉजिकल जो डाटा हमें मिलता है उसको एनालाइज और इंटरप्रेट किया जा सके. या आप अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है कि जो भी हमें बायोलॉजिकली डाटा मिलता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ही, तो इससे हमें जो भी डाटा मिला इसको हमने क्या किया, कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर दिया. फिर हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स डेवलप करे जो इन इंफॉर्मेशन या इस डाटा को इंटरप्रेट या फिर समझ सके. ठीक है, तो इस फील्ड को बोला गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स. अब बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स की. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वर एज फॉलो. तो पहला गोल क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 टू 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए. तो ह्यूमन डीएनए में अप्रोक्सीमेटली 20,000 से लेके 25,000 जीन्स प्रेजेंट है, तो उन सबको आइडेंटिफाई करना. ये पहला गोल था किसका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का. दूसरा क्या है, डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेकअप ह्यूमन डीएनए. तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ह्यूमन डीएनए में अप्रोक्सीमेटली कितने बेस पेयर्स होते हैं, 3 बिलियन बेस पेयर्स. तो इन 3 बिलियन बेस पेयर की सीक्वेंसेस को पता करना, ये दूसरा गोल था किसका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का. और तीसरा गोल क्या है, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस. मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो भी हमें डाटा मिले उसको हमें क्या करना है, डाटाबेस के अंदर स्टोर कर देना है. डाटाबेस क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. मतलब जब किसी कंप्यूटर के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में डाटा स्टोर किया जाता है तो उस डाटा को बोला जाता है डाटाबेस. इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस. अब देखो, डाटा तो हमें मिल गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, अब उसको एनालाइज करना है. एनालाइज करना मतलब उसको समझना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेंगे, अपने टूल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा. टूल्स मतलब कुछ मेथड्स हो सकते हैं, कुछ तरीके हो सकते हैं जिनसे हम इन डाटा को एनालाइज करेंगे या समझेंगे. ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज. अब देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो भी टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ उसको अदर सेक्टर्स जैसे कि इंडस्ट्रीज में यूज करना, ताकि इन टेक्नोलॉजीज की मदद से इंडस्ट्री में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके. एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज LC दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट. अब देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कुछ इश्यूज भी आए जैसे इथिकल, लीगल या सोशल इश्यूज. ठीक है, तो इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से. कुछ सालों पहले गॉड पार्टिकल की खोज हुई थी. ठीक है, तो जिस टाइम पे गॉड पार्टिकल की खोज हो रही थी उस टाइम पे कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, और वो लोग कौन थे, धर्म से रिलेटेड लोग. ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, अगर हम गॉड पार्टिकल को ढूंढ लेंगे तो उससे क्या होगा, पूरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो ये क्या हुआ, ये एक इशू है यहां पे, इथिकल इशू. तो ऐसे ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी कई सारे इश्यूज आए. जैसे कुछ लोगों ने बोला कि हमें गॉड की बनाई हुई जो चीजें हैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए. तो ये क्या हुआ, एक इशू हुआ. ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल था कि ये जैसे भी इशू आएंगे इनको हमें क्या करना है, हैंडल करना है. द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज ए 13-year प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट कितने टाइम तक चला, 13 साल तक. और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने करी, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने मिलकर. ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट द वेलकम ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम बिकेम अ मेजर पार्टनर. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के शुरुआती सालों में जो वेलकम ट्रस्ट था, ये वेलकम ट्रस्ट कहां का है, यूनाइटेड किंगडम का, ये एक मेजर पार्टनर बन चुका था. देखो, वेलकम ट्रस्ट जो है ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो फंड प्रोवाइड कराता है किसके लिए, रिसर्चेस के लिए. ठीक है, एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस केम फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर्स. बाकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाली कंट्रीज थी वो कौन कौन सी थी, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर्स. ठीक है, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन 2003.
तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1990 में, और ये कंप्लीट कब हुआ? 2003 में, मतलब 13 साल का ये प्रोजेक्ट था। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स कैन लीड टू रिवॉल्यूशनरी न्यू वे टू डायग्नोस, ट्रीट एंड समडे प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट ह्यूमन बीइंग। तो देखो, अगर हमें नॉलेज होगी कि डीएनए में वेरिएशन होने से, डीएनए में वेरिएशन का मतलब है डीएनए में चेंज आने से किसी इंडिविजुअल में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इस नॉलेज की मदद से हम क्या कर सकते हैं? कई नए तरीके ढूंढ सकते हैं किसी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। यहां तक कि इस नॉलेज की मदद से हम किसी दिन एक ऐसा तरीका भी ढूंढ सकते हैं जिससे कई हजारों बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट करना मतलब कि हम उन बीमारियों को किसी ह्यूमन बीइंग में होने से रोक सकते हैं। और ये सब पॉसिबल क्यों हो पाया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से, क्योंकि उससे हमें काफी इंपॉर्टेंट डाटा मिला डीएनए के बारे में। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लूज टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, लर्निंग अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंसेस कैन लीड टू अन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटी दैट कैन बी अप्लाइड टूवर्ड सॉल्विंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल रेमेडिएशन। तो देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में तो हमने ह्यूमन बायोलॉजी को स्टडी किया, उसके अलावा हमने नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस को भी स्टडी किया। तो इससे क्या फायदा मिला? इससे हम अंडरस्टैंड या समझ पाए उनके नेचुरल कैपेबिलिटी को। नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म मतलब इंसानों के अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म के भी हमने क्या किए, डीएनए सीक्वेंसेस को स्टडी किया, और उससे हम क्या समझ पाए, उनके नेचुरल कैपेबिलिटी को। और उसके बाद जो हमें नॉलेज मिली उससे हमने क्या किया, कई चैलेंजेस को सॉल्व किया, जैसे कि हेल्थ केयर में कुछ चैलेंज थे, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, और इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन में। इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग पीपल एंड इन्वायरमेंट अगेंस्ट हार्मफुल रेडिएशन, मतलब लोगों को और इन्वायरमेंट को हार्मफुल रेडिएशन से बचाना। मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट, कैनोहैबिटस एलिगेंस, ये क्या है? अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड। इसके अलावा ड्रोसोफिला, जिसे फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, कुछ प्लांट्स, राइस एंड अरेबिडोप्सिस हैव ऑल्सो बीन सीक्वेंस्ड। तो देखिए, ह्यूमंस के अलावा बैक्टीरिया, ईस्ट, ड्रोसोफिला, निमेटोडा, यहां तक कि कुछ प्लांट्स के भी हमने डीएनए सीक्वेंस को स्टडी किया। बाय बाय।